मैं डॉक्टर प्रभात और मैं आ रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके सिर्फ आपके लिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन कौन से फेजेस होते हैं एम्ब्रियो से फीटस बनने में, इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। सो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, यू कैन अप्रिशिएट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू विल हैव जाइगोट। जाइगोट के बाद क्लीवेज शुरू होगा। What is the difference between cleavage and cell division? ये last lecture में हमने देख लिया है। So cleavage बनने के बाद, होने के बाद cells बनेंगे। This 8 to 16 cell stage, which are packed together as a mulberry fruits, is known as morula. ठीक, morula बनेगा। Morula के बाद we will have blastula. Now what is blastula? क्या है, सुनिए। Sorry. ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड होकर बने हैं बाय क्लीवेज, उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। सम ऑफ द ब्लास्टोमियर्स विल बी अरेंज्ड एट वन पोल। दीज ब्लास्टोमियर्स आर नोन एज इनर सेल मास। ठीक है, एंड फ्यू ऑफ द ब्लास्टोमियर्स विल बी अरेंज देमसेल्फ इनटू द आउटर पार्ट एंड दे विल बी नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। सो the blastomeres will arrange themselves into either inner cell mass or trophoblast, and meantime there will be formation of a cavity, and this cavity is known as blastocell. This cavity is known as blastocell. And this overall structure is blastula, and since cyst is, it's a cyst like structure. What is cyst like structure? Any fluid filled structure is known as cyst like structure. So since it's a cyst like structure, sometime blastocell is also known as this blastula is also known as blastocyst. After blastula, next stage we will have gastula. What is gastula?